नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। देश के जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आने के बाद दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया है। बुधवार सुबह से दिल्ली की एम्स भर्ती राजू श्रीवास्तव वेंटिलेटर पर है और उनकी हालत लगातार गंभीर बन गई है। इसी बीच ताजा जानकारी के मुताबिक कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत स्थिर है, लेकिन अभी भी कुछ खबर सामने नहीं आ रही है। हालांकि अब तक उन्हें होश भी नहीं आया। उनकी बेटी अंतरा ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर कुछ अफवाहें चल रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, एम्स के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। बेटी ने लोगों से भावुक अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाएं। एम्स में भर्ती राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चिंता जता चुके हैं। यूपी के सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे परिवार की हर संभव मदद करें और सुनिश्चित करें कि कोई दिक्कत नहीं आए। एम्स सूत्रों के अनुसार आईसीयू में भर्ती राजू श्रीवास्तव की हालत में कोई गुणात्मक सुधार नहीं है। वो लगातार 4 दिन से एम्स में वेंटिलेटर पर है। एम्स के सूत्रों के अनुसार उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों की माने तो उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। माना जा रहा है कि दवाइयां भी राजू श्रीवास्तव पर असर नहीं कर रही हैं जैसा करनी चाहिए। उनका ब्रेन भी ठीक से काम नहीं कर रहा, यह बात इलाज कर रहे डॉक्टरों की चिंता का विषय है। एम्स में भर्ती हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक बनी जा रही है। गौरतलब है कि 10 अगस्त को सुबह दिल्ली में ही जिम में वर्कआउट करने के दौरान सीने में दर्द और गिर जाने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स भर्ती कराया गया। हालत को देखते हुए आईसीयू में भर्ती राजू श्रीवास्तव को वेंटिलेटर पर रखा गया और उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। बताया जा रहा है कि 59 वर्षीय राजू श्रीवास्तव को यह हार्ट अटैक तब आया जब दिल्ली में एक जिम में ट्रेडमिल पर कसरत कर रहे हैं। इस बीच वे अचानक गिर पड़े। इसके बाद जिम कर्मचारी अधिकारियों ने उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।